नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी, पहला पेश ने चुनवीआं खबरां। CBSE वल्लों 12वीं जमात दीआं बोर्ड प्रीख्यावां रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विद्यार्थियों की सेहत ते सुरक्षा बहुत जरूरी अते इस पहलू दे नाल कोई समझौता नहीं होवेगा। सारे हितधारकों नूं विद्यार्थियों प्रति संवेदनशीलता दिखाउण दी लोड़। ICSE बोर्ड ने भी 12वीं दीआं प्रीख्यावां रद्द कीतीआं। केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री और सूचना ते प्रसारण मंत्री ने प्रधानमंत्री वल्लों लए गए फैसले नूं विद्यार्थियों दे लई चंगा दस्या। भारत विच पिछले 20 दिनां तों लगातार रोजाना रिकवरी दे मामले नवीं केसां नालों वध दर्ज कीते जा रहे ने। पिछले 24 घंटिया दौरान 231,456 व्यक्तियों ने कोरोना लाग तों मुक्ति हासिल की। देश विच रिकवरी दी मौजूदा दर 92.48% ते पुजी। देश दी पॉजिटिविटी दर 6.34% अते मौत दर 1.18% दर्ज कीती जा रही है। कौमी वैक्सीनेशन मुहिम तहत कुल 21,85,46,667 लाभपात्रियों नूं कोरोना रोकू टीके लगाए जा चुके ने। पंजाब च बीते 24 घंटिया दौरान 2,184 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 5,039 व्यक्तियों नूं कोरोना लाग तों मुक्त ऐलानिया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि कई सालों की आम सहमति तों बाद ब्रिक्स देशों ने जुड़ाव दे लई विशेष मॉडल विकसित किया है। हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्र सरकार ने CBSE की 12वीं जमात दीआं बोर्ड प्रीख्यावां रद्द करन दा फैसला लिया है। लए गए फैसले मुताबिक 12वीं जमात दा नतीजा एक निर्धारित समय हद अंदर पिछले नतीजिया दे आधार ते ऐलानिया जाएगा। यह भी फैसला लिया गया है कि जे कुछ विद्यार्थी पिछले सालां दी ही तरह प्रीख्या देना चाहते ने तां टुकवां माहौल बनन ते उन्हां नूं CBSE वल्लों अजिहा बदल मुहैया करवाया जाएगा। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानगी हेठ हुई एक उच्च पदरी मीटिंग दौरान लिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि CBSE की 12वीं जमात की प्रीख्या बारे फैसला विद्यार्थियों के हितों नूं ध्यान विच रख के लिया गया है। उन्होंने कहा कि COVID-19 के चलद विद्यक सैशन प्रभावित होया है। बोर्ड दीआं प्रीख्यावां नूं लैके विद्यार्थियों मापियां ते अध्यापकां दे विच भारी चिंता वाला माहौल बनिया होया सी, जिस नूं खत्म किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश दे विच कोविड की स्थिति हाल की कड़ी फैलाव वाली स्थिति च बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश दे विच नवे केसां की गिनती च गिरावट वेखण नूं मिल रही है अते कुछ सूबे असरदार ढंग दे नाल माइक्रो कंटेनमेंट जोनां राहीं स्थिति ते काबू पाउण दा यतन कर रहे ने, जबकि कुछ एक सूबियां वल्लों अजे भी लॉकडाउन दा राह चुनिया गया। उन्होंने कहा कि अजिही स्थिति च विद्यार्थियों की सेहत नूं लैके उन्हां दे अध्यापक मापे अते होर सगे रिश्तेदार निश्चित तौर ते चिंतित सन। प्रधानमंत्री ने कहा कि अजिही तनावपूर्ण स्थिति च विद्यार्थियों नूं प्रीख्या च बैठण दे लई मजबूर नहीं कीता जाना चाहीदा। प्रधानमंत्री ने जोर दे के कहा कि विद्यार्थियों की सेहत अते सुरक्षा की बहुत महत्ता है अते इस नाल किसी तरह का कोई समझौता नहीं कीता जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह दीआं प्रीख्यावां नौजवानों नूं खतरे च पाउण दा कारण नहीं बन सकदियां। प्रधानमंत्री ने कहा कि सारे हितधारकों नूं विद्यार्थियों के प्रति संवेदनशीलता दिखाउण दी लोड़ है। उन्हां अधिकारियों नूं इह यकीनी बनाउण दी हिदायत दित्ती कि नतीजे चंगी तरह दे नाल सुझाए गए मापदंडा अनुसार निरपक्ष अते समेंबद्ध तरीके दे नाल तैयार कीते जाण। वड्डे पद्धर ते इस मुद्दे बारे कीते गए सलाह मशवरे दा जिक्र करदिआं प्रधानमंत्री ने इस गल दी शलाघा कीती कि सारे हितधारकां दी सलाह तों बाद विद्यार्थियों दे हितां नूं ध्यान विच रख के फैसला लिया गया है। उन्हां इस मुद्दे ते फीडबैक देण दे लई सूबिआं ते केंद्र शासित प्रदेशां दा वी धन्नवाद कीता। प्रधानमंत्री ने इस तों पहलां 21 मई नूं इक उच्च पदरी मीटिंग कीती सी। उस तों बाद 23 मई नूं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की प्रधानगी हेठ एक मीटिंग हुई सी, जिस विच सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशां दे सिक्ख्या मंत्रियों ने हिस्सा लिया सी। मीटिंग दौरान CBSE प्रीख्यावां दे संचालन दे लई उपलब्ध वक्खो वक्खरे बदल बारे सूबियां अते केंद्र शासित प्रदेशां तों फीडबैक आधारित चर्चा कीती गई सी। प्रधानमंत्री की अगुवाई हेठ कल हुई मीटिंग च रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन, सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, महिला ते बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल हुए। मीटिंग दे विच केंद्रीय मंत्रियों तो इलावा प्रधानमंत्री दे प्रिंसीपल सकत्तर, कैबिनेट सकत्तर, उच्च सिक्ख्या ते स्कूल सिक्ख्या मंत्रालय दे सकत्तर, सिक्ख्या मंत्रालय दे कई होर सीनियर अधिकारी समेत CBSE
चेयरपर्सन भी शामिल हुए। इस तो पहला सरकार ने इस साल कोविड महामारी की दूजी लहर च आए उछाल ध्यान में रखद्या CBSE दियां दसवीं जमात दियां प्रीख्यावां रद्द करने का फैसला लिया। दूजे पासे ICSE बोर्ड ने भी बारहवीं दियां प्रीख्यावां रद्द करने का ऐलान किया है। कोरोना के चलद्या बोर्ड वालों यह फैसला लिया गया है। केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बारहवीं जमात दियां प्रीख्यावां रद्द करने बारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों लए गए फैसले का स्वागत किया है। ट्वीट सुनेहे दे विच उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का हमेशा यह मनना रहा है कि विद्यार्थियों का भविख और उन्होंने सेहत दोवें ही साडियां मुख तरजीहां होनिया चाहीदियां ने। सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों इस साल लई बारहवीं जमात दियां प्रीख्यावां रद्द करने के फैसले का स्वागत करदिया कहा कि इस दे नाल विद्यार्थियों मापियां ते अध्यापकों नूं गहरी चिंता तो मुक्ति मिली है। भारत दे विच पिछले 20 दिनों तो लगातार रोजाना रिकवरी के मामले रोजाना नवे पुष्टि वाले मामलों तो वध दर्ज किए जा रहे हैं। केंद्रीय सेहत मंत्रालय के आंकड़ों मुताबिक पिछले 24 घंटों दौरान 231,456 व्यक्तियों ने कोरोना लाग तो मुक्ति हासिल की है, जिस दे नाल देश दे विच हुण तक सेहतयाब होने वाले मरीजों की गिनती 2,61,89,085 हो गई है। रिकवरी च लगातार वाधे के चलद्या मौजूदा रिकवरी दर 92.4% हो गई है। पिछले 24 घंटों दौरान देश दे विच 1,32,788 नवे कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है, जिस दे नाल कुल पॉजिटिव ऐलाने गए मरीजों की गिनती 2,83,07,832 हो गई है। बीते दिन कोविड 19 दे नाल देश दे विच 3,207 मौतां हुई ने, जिस दे नाल इस महामारी के चलदियां कुल मौतों की गिनती 3,35,102 हो गई है। मौजूदा मौत दर 1.18% दर्ज की गई है। आंकड़ों मुताबिक मौजूदा एक्टिव मामलों 1,01,000 तो वध केसां दी गिरावट दर्ज की गई है। मौजूदा समय च देश च एक्टिव मामलों की गिनती 17,93,645 रह गई है। रोजाना पॉजिटिविटी दर 23.57% दर्ज की जा रही है। हुण तक देश दे विच कोरोना की जांच के 35 करोड़ तो वध टैसट किए जा चुके ने। टीकाकरण की गल करिए इस साल 16 जनवरी तो शुरू हुई कौमी वैक्सीनेशन मुहिम तहत कुल 21,85,46,667 लाभार्थियों नूं टीके लगाए जा चुके ने, जिन्हां चों 23,97,191 टीके पिछले 24 घंटों दौरान लगाए गए। आंकड़ों मुताबिक पंजाब च कोविड 19 की पॉजिटिविटी दर च गिरावट वेखन नूं मिल रही है। पिछले 24 घंटों दौरान सूबे च 59,199 कोरोना सैंपलों की टैसटिंग की गई, जिन्हों 2,184 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वेले सूबे च कोरोना के 3,444 एक्टिव मामले ने। बीते 24 घंटों दौरान 5,039 व्यक्तियों नूं कोरोना लाग तो मुक्त ऐलानिया गया। इसे अरसे दौरान कोरोना के 94 मौतां दर्ज की गई ने। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स ने जुड़ाव के लिए अपना विशेष मॉडल विकसित किया है, जिहड़ा कई सालों की आम सहमति पर आधारित है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की मीटिंग दौरान अपने उद्घाटनी भाषण च डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स का सामूहिक उपराला यकीनी बनाना है कि विश्व पद्धर से समकाली हकीकता नूं ध्यान में रख के किस तरह के नाल सांझे फैसले ले जाण। मंत्री ने कहा कि ब्रिक्स ने 2006 च न्यूयॉर्क च हुई पहली विदेश मंत्रियों की मुलाकात तो लैके हुण तक एक लंबा सफर तय किया है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स समूह का मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांत सालाबद्धी मेहनत तो बाद तैयार किए गए हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ब्रिक्स एक निरपक्ष न्यासंगत सारिया नूं बराबर का मौका देने वाला अते प्रतिनिधि बहुपक्षी कौमांतरी प्रणाली विकसित करने के लिए यतनशील है। उन्होंने कहा कि यह समूह कौमांतरी कानूनों की संयुक्त राष्ट्र के चार्टर अनुसार पालना करता है, जड़ा सारे देशों की संपूर्ण सर्वसंमति मान्यता देता है। डॉक्टर जयशंकर ने जोर देकर कहा कि सारिया के हित और चिंतावां के लिए आपसी सत्कार दर्शाते हुए उन्होंने खेतरी अखंडता के सन्मान वर्गे सिद्धांतों अनुसार नीतियां लागू करने के लिए लोड़ीदियां तब्दीलियां लिया जा सकदियां ने। भारत इस साल ब्रिक्स देशों की अगुवाई कर रहा है। भारत वालों बहुपक्षी प्रणाली च सुधार अतवाद विरोधी सहकारता स्थिर विकास के टीचों हासिल करने के लिए डिजिटल और टैक्नोलॉजी आधारित ढंग तरीकों की वरतों करन समेत वख-वख देशों के लोगों विचाले सहयोग नूं वधाउण लई उपराले कीते जा रहे ने। डॉक्टर जयशंकर ने इस गल ते तसली प्रगटाई है कि पिछले 5 महीनों दौरान हरेक खेत्र च काफ़ी तरक्की देखने नूं मिल रही है। मीटिंग दौरान मंत्रियों ने अंतर ब्रिक्स सहयोग की दिशा च हुई प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने सियासी सुरक्षा आर्थिक व्यापार माली और टिकाऊ विकास के खेतरों के कौमांतरी और खेतरी मुद्दों बारे विचार वटांदरा किया। मंत्रियों ने कौमांतरी पद्धर से कोविड 19 महामारी दौरान जनतक सेहत और समाजिक आर्थिक प्रभावों बारे भी गंभीर चिंता प्रगटाई। उन्होंने मारे के लोगों प्रति संवेदना प्रकट करदिया सारे प्रभावित परिवारों के नाल एकजुटता का वादा किया। मंत्रियों ने महामारी और उन्होंने प्रभावों के नाल टाकरे के लिए दुवल्ले और बहुपक्षी सहयोग की लोड़ पर जोर दिता। उन्होंने कोविड 19 महामारी समेत मौजूदा भविख दियां सेहत चुनौतियों के नाल निजिठण के लिए बेहतर कौमांतरी
ਵਾਂਝੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵੈਕਸੀਨ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।